Can you swing here for a dance? Can you swing here? No, I'm just telling you to turn. Take a spin. Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe. तो हम लोग हैं अभी नर्मदा मंदिर के ठीक सामने में. ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो सर्वे ऑफ इंडिया है उसके द्वारा निकाला गया या खोजा गया एक मंदिरों का समूह है. बेसिकली ये कलचुरी शासन द्वारा 11वीं और 12वीं शताब्दी में बनाया गया मंदिर है. आप लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को. तो हम हैं अभी लिट्टी चौक खाने के लिए और ये हमारा होटल है जहाँ ये है जबलपुर रसल चौक का डोसे की दुकान. और यहाँ भीड़ देखिए आप. तो हम हैं अभी ऑडियो वर्ल्ड स्टेडियम मार्केट. दिस इज द सिविक सेंटर वेयर वी आर स्टैंडिंग एंड लॉट ऑफ द शॉप्स आर देयर विच आर डूइंग द रेडियम वर्क्स. बट हमको करवाना था गाड़ी का मॉडिफिकेशन और ये है हमारी फेवरेट गाड़ी जो हमें छत्तीसगढ़ से रायगढ़ तक लेके आई है. और इसमें थोड़ा सा काम करा रहे हैं ब्लिंकिंग का क्योंकि इंडिकेटर दिखता नहीं है. वहाँ म्यूजिक सिस्टम का काम चल रहा है और देखते हैं और क्या क्या करा सकते हैं. भाई साहब कर रहे हैं, हम लोग कपलिंग करा रहे हैं, तार नहीं काट रहे हैं. मैडम का भोजन हो गया है. गाना सुनिए आप. ये लगवाना है, ये गाना म्यूजिक सिस्टम लगो. इसको पहले ऑन किए उसके बाद तो नहीं गाड़ी चलते चलते भी अब एक बार और बैठाई एक बार और दूसरा मोड करिए और एक बार. ये तीन मोड हो गए. इंडिकेटर के लिए ना. हाँ हाँ अच्छा बंद. ये नीचे वाली कोई बटन नहीं है ना. ये क्या है दबाओगे तो बटन ऑन ऑफ है ना. अच्छा हाँ ओके ओके. कितने सारे मोड हैं. अरे होगा. अब बोल रहे हैं 28 मोड्स हैं. अच्छा थोड़ा-थोड़ा लाइट का चेंज है. नहीं लेकिन अच्छा है. लगवा लो 300 रुपए ही है. लगवाने को प्रॉब्लम नहीं है. मेरे को प्रॉब्लम है रास्ते में प्रॉब्लम ना हो जाए. मान लो गाड़ी रुक गया तो क्या करेंगे फिर हम. और ऐसा जगह है ना होटल्स भी नहीं है उधर रुकने का. चलो इसको पहले खराब होने देते हैं. तो हम हैं अभी लिट्टी चौक खाने के लिए और ये हमारा होटल है जहाँ हम ठहरे हैं. और ये हमारे गार्ड भी हमको बहुत अच्छा गाना सुना रहे हैं. और ही इज द शेफ. शेफ है वहाँ पे जिन्होंने लिट्टी चौका खिलाया है. और बहुत अच्छा इनका हाथ है और व्यवहार भी बहुत अच्छा है. और ये मेन रोड है. और लिट्टी चौका मतलब इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल थिंग्स. यहाँ सरसों की चटनी नहीं है विच वी आर गेटिंग इन बिहार. तो वो बहुत याद आता है. जैसे एक बिहारी का ओरिजिनेशन क्या हो वो लिट्टी चोखा शायद दुनिया में कोई नहीं बना सकता. ये मैंने आज ये खा के प्रूव कर दिया. अच्छा नहीं है ये. वो जो बनाया था ना रायगढ़ में ये अच्छा नहीं है. उतना अच्छा नहीं है. ओके तो वो बात तो है. जैसे इडली आपको साउथ की जो मिलेगी वो पूरे इंडिया की नहीं मिलेगी. तो मैं कितना भी बाहर की चीज खा लूं बट लिट्टी जो है वो एक खिंचाव है. जैसे चूड़ा दही और दही चूड़ा में फर्क होता है. तो मैं दही चूड़ा खाता हूँ दही के साथ चूड़ा खाता हूँ. एक मछली जो बनाएगा ना बंगाली उसका कोई टक्कर नहीं है. वैसे ये लिट्टी चोखा मतलब मैं बिहारी बोल रहा हूँ तुमको बंगाली बोलना जरूरी है. चलिए तो आप हाँ 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 तो ये बैगन का चोखा है. ये तरी है प्याज है और घी डलवाएं क्या और एक्स्ट्रा. तुम्हें दुल्हन ये हमारे भैया है. गाना सा शर्मा जाते हैं जब इनका वीडियो लेता हूँ. ढूंढे तुझे सुबह 9 बजे.
तो दोस्तों आज हमारी यात्रा का अंतिम दूसरा दिन है, मतलब आज जो जबलपुर के खास प्रसिद्ध रेस्तरां और स्ट्रीट फूड्स हैं उनका हम स्वाद लेंगे और आपको फीडबैक भी देंगे और कुछ मिठाइयों को पैक करा के हम निकल जाएंगे आज अमरकंटक ले। तो फिलहाल हम बस स्टैंड पे आए हैं ये ब्रेड पकौड़ा का स्वाद लेने के लिए जो काफ़ी फेमस है, और इसके बाद दो अलग अलग जगह पे हम पोहे का भी स्वाद देखेंगे। एक यहाँ के पोहे को ले रहे हैं और एक आगे में एक दुकान है उसका भी हम जायका लेंगे और डोसा भी हम देखेंगे रसल चक्का। और ये सारी चीज़ कंप्लीट करने के बाद हम बड़कुल से एक मिठाई लेंगे और चले जाएंगे अमरकंटक के लिए। ओके ओके टाइप का है, सरसों बहुत ज़्यादा हो गया है, पोहे का मीठा पना ये ना कड़वा हो गया थोड़ा। क्या डालूं क्या? तो ये दूसरी दुकान है और यहाँ पर हम दोबारा पोहा का स्वाद लेने के लिए आए हैं ताकि हमें मालूम चल सके कि जबलपुर में पोहे कितने प्रकार के मिलते हैं और स्वाद में क्या विभिन्नता है जबलपुर के पोहे नागपुर और रायगढ़ या इंदौर के पोहे में। तो यहाँ पे समोसे भी बन रहे हैं पर मुझे सुबह सुबह समोसे खाने पसंद नहीं है। यहाँ पे मिठाइयाँ भी बहुत है बट हमने ये सुना था कि बड़कुल का ही सबसे अच्छा है और मैं ज़्यादा सामान भी पैक नहीं करा सकता क्योंकि हम लोग टू व्हीलर पे आए हैं, तो जो भी सामान एक्स्ट्रा होगा वो या तो सामने की तरफ जो बैग उसमें आएगा या फिर श्रीमती जी को उठाना पड़ेगा, तो इसलिए हम लिमिटेड मिठाई ही पैक करा रहे हैं। और यहाँ पे मैं अब शक्ल सूरत समझ चुके होंगे कि मेरी स्थिति क्या है, मैं किस चीज़ के लिए डाइट कर रहा हूँ। फिलहाल मैं यहाँ टेस्ट करने के बाद आगे निकलता हूँ और टेस्ट जो है वो ठीक ठाक रहता है, कोई खास अलग हमको नहीं मिलता है। जबलपुर में ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ का पोहा बाकी शहरों के पोहे से एकदम अलग हो, नॉर्मली 19-20 का अंतर है। और यहाँ से हम निकल गए हैं अगली मंजिल की ओर और अगला पड़ाव हमारा होने वाला है जबलपुर भ्रमण। थोड़ा सा एक शॉर्ट हम मार्केट घूमना चाह रहे हैं, वैसे हम पेंटालून भी गए थे बट उसका वीडियो हमने नहीं लिया क्योंकि पेंटालून ऑब्वियसली हर शहर में है। अरे यार हम हेलो गुड मॉर्निंग, वी जस्ट नाउ रीच टू बेड़ागाड़ एंड दिस इज दैट बुटीक सेंटर, नौका विहार प्रवेश द्वार है। और तो ये इंग्लिश के मास्टर हैं तो इंग्लिश में बात करें, मैं आपसे हिंदी में बात करूंगी। और ये ताजा अभी मेरे लिए जूस बना रहे हैं। और यहाँ से ये कैफे है, इंडियन मतलब गवर्नमेंट का ये कैफे है, ये आपको दिखाते हैं, इसके अंदर भी जाएंगे हम लोग कैफे में कुछ खाने के लिए। और यहाँ तीन घाट है, उस साइड एक है और धुआधार प्रपात उधर, हाँ, और इधर हम लोग जा रहे हैं, ये नौका विहार जो है यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं मतलब बोटिंग के लिए, फिर आपसे बात करते हैं। ये है जबलपुर रसल शॉप का डोसे की दुकान और यहाँ भीड़ देखिए आप, यहाँ की अच्छी चीज़ है कि आपको बैठना है और उसके बाद फिर आपको मिलता है। तो ये यहाँ पे सांभर बड़ा ठीक है डेट, ये काउंटर के सामने की भीड़ है और इतनी भीड़ इस साइड में, अब मज़ा आ रहा है और टेस्ट ठीक ठाक है, स्वाद अच्छा है, साउथ जैसा तो नहीं है लेकिन थोड़ा मध्य प्रदेश का टोन है स्वाद में जो अच्छा लगता है। आधा घंटे का सफर तय करके हम लोग आए हैं बड़कुल रेस्टोरेंट, आप देखना है वो देखो बड़कुल आपको दिख रहा होगा, दिख गया ना, तो हाँ तो ये रेस्टोरेंट है और यहाँ हम लोग जा रहे हैं कुछ खाना खाने के लिए। बड़कुल किसी ने कहा बहुत अच्छा खाना मिलता है तो देखते हैं क्या मिल सकता है, तो ये हम लोग डेस्टिनेशन की तरफ पहुँच गए हैं।
कैसा है टेस्ट? अब हम वापस जा रहे हैं अपने होटल की तरफ और रास्ते में हमें ये जैन मंदिर दिखता है और दूर से बड़ा भव्य दिख रहा था। बगल में कुछ हिंदू देवी देवताओं के मंदिर भी हैं, सब साथ में ही है। तो इस तालाब के किनारे एक हम भ्रमण ले रहे हैं और ये कुछ मतलब जो पुरानी बस्तियां हैं वो भी दिख रही है। ये जैन मंदिर काफ़ी खूबसूरत था पर समय अभाव होने के कारण हम इसका कवरेज नहीं कर पा रहे हैं। उम्मीद है कि जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ज़रूर। और रास्ते में ये बच्चे को देखता हूँ मैं और मुझे अपना दिन याद आ जाता है क्योंकि ये भी केंद्रीय विद्यालय का यूनिफॉर्म पहना है और मेरी भी शुरुआती स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय से हुई थी। तो बहरहाल यहाँ से कई सारी यादों को संजो कर मैं जबलपुर से अब विदा ले रहा हूँ और हमारा अगला पड़ाव तो नहीं पर शाहपुर और ढिंढोरी होते हुए हमारा टारगेट है कि हम रात होने से पहले अमरकंटक पहुँच जाएँ। और ये रास्ते हैं, इन रास्तों में मतलब जबलपुर से मैं निकलने के पहले लास्ट में मुझे एक व्हीकल फैक्ट्री दिखती है। मुझे याद है 2003 का वो वक्त था जब मैं केंद्रीय विद्यालय रायगढ़ की तरफ से यहाँ खेलने आया था, पर काफ़ी कुछ बदल गया है तो मुझे स्कूल ढंग से पता नहीं चल रहा है। फिर भी मैं एक राउंड ले रहा हूँ इस जगह की। तो ये व्हीकल फैक्ट्री का जो मुख्य द्वार है ये वो है और काफ़ी बड़ा कैंपस है। सेंसर है क्या? सेंसर से पता चल जाता है। सर चले अंदर, चलो हेलमेट के साथ ही चलते हैं, बैग लेके। मैं तो बाहर ही बैठते हैं, बैग रहने दो ऐसे ही। आप टीचर बनना चाहते हो? क्यों? अच्छा, आपका सब्सक्राइबर बन चुका हूँ तो फिर आपकी 5-10 सब्सक्राइबर आराम से बढ़ जाएगी। अच्छा, थैंक यू। क्योंकि एक फोन और है मेरी मम्मी, ये मेरे बड़े भाई का, अभी पापा, मेरी मौसी, मेरे नाना, मेरी नानी। सर क्या करता है? ओह वाओ। और मम्मी कहीं को लॉ ऑफिसर कॉर्पोरेशन। और मैं दोस्त तो जिसका सब्सक्राइबर बताया तो तुरंत उसका चैनल देखना ही देखना। थैंक यू। सब्सक्राइबर मेरे दोस्त और तो ये रास्ते हैं जो ढिंढोरी जो है वो काफी बड़ा जिला है और मैंने गौर किया कि बहुत दूर तक इसके थाना और इससे संबंधित जो भी है ढिंढोरी लिखे हुए जो है तख्तियां बहुत दूर तक हैं, काफी दूर तक है। इवन मुझे तो लगता है कि अमरकंटक के कुछ दूर पहले तक ये ढिंढोरी जिला का मुझे हर चीज उसके अंचल से जुड़ा हुआ, चाहे पंचायत हो, ग्राम पंचायत हो, तहसील ऑफिस हो, जो भी हो, सारा दिखता है। तो हम हैं यहाँ पे अभी संस्कार ढाबा के पास में और दो पराठे हम लोग आए थे खाने के लिए, लेकिन थोड़ा सा हमको फीका लग रहा था और टाइम थोड़ी लग रही थी। तो अभी हमको ढिंढोरी जाना है, ढिंढोरी बहुत नज़दीक है यहाँ से, लगभग कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 3-4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर ढिंढोरी इधर। तो हम ढिंढोरी जा रहे हैं और देखते हैं वहाँ कुछ खाने को मिलेगा तो ठीक है, वरना हम लोग वहां से निकल लेंगे सीधा अमरकंटक के लिए। यहाँ से कुछ एंट्रेंस ऐसा है, अब सीढ़ी से ऊपर जाएंगे। और ये कौन खड़ा है सामने? नौ बजे उठने वाले लोग नमस्ते गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, बताओ।
इनको ये अच्छा लग रहा है, मेरे को धर्मशाला टाइप का लग रहा है, इतना पैसे दे के भी। ये लगता है कोई पुराना था, उसको एक्सटेंड किया गया है। ये बाहर का नजारा है और जो मैं खोज रहा था वो यहाँ मिल गया। ये जो है ना, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, है ना। आप जो भी पेमेंट ले रहे हो वो उसमें कोई तर्क नहीं है। ये सब चीज़ें आपको छोटा बना देती हैं। आप केयर करिए, और इसमें स्मेल भी है, और ये मतलब कपड़े जिस हिसाब से ठंड, उस हिसाब से ये नाकाफ़ी था। तो रेट तो बता दो। 1500 रुपये रेट था। 1500 के हिसाब से ठीक ठाक था। 10 बजे 10:30 11 बजे पहुंचे हैं, तो हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, थोड़ा लेट हो गया था। चलिए, तो हम निकल रहे हैं अमरकंटक भ्रमण के बाद। रायगढ़ जाना है और हमको देना है वोट, अपना कीमती वोट देना है, तो उसके लिए हम निकल रहे हैं। और नाश्ता भी बाहर ही करेंगे। अमरकंटक थोड़ा सा हमको क्या जो एक्सपेक्टेशन था वैसा नहीं मिल रहा है, शायद हो सकता है रात की बात हो। तो अभी दिन में देखते हैं कि क्या हाल है। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तो इस रोड से हम लोग रात में आए थे और ये धर्मशाला हम लोग गलती से चले गए थे। इधर पंजाबी लोगों का धर्मशाला है और ये हमारा होटल है अतिथियम। चल ठीक है। तो रात में हम काफी देर से अमरकंटक पहुंचे, तो रात का वीडियो मैं नहीं ले पाया। और रात की वीडियो स्किप होने के बाद ये सुबह का है। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, वो धर्मशाला, लॉज और होटल का कंबाइंड फॉर्मेट था वो, जहां से हम निकले हैं। और अब हम जा रहे हैं नर्मदा मंदिर की ओर। तो मंदिर और मंदिर के सामने जो पुरातत्व विभाग द्वारा जो निकाला गया मंदिर, खोजा गया पुराना मंदिर, दोनों हम देखेंगे। भगवती नर्मदा देवी सानिध्य भाव से स्वस्ति से सर्व भूतानि हरिस्तु गोबाय समृद्धिमस्तु स्वस्ति कल्याण भवति। हमको अच्छा उद्गम स्थल यही है, ये है। कुंड से निकल रही है। ये भी उसी का ही कुंड है। किसी राजा महाराजा ने बनाया होगा इसे, और इसी के बारे में मंदिर यहाँ क्यों नहीं रखा? एक्चुअली ये उद्गम स्थल नहीं है ना, उनके लिए बनाया गया है। और बाकी जानकारी मिलेगी, वो मंदिर तो है ही, लेकिन वो थोड़ा आर्टिफिशियल टाइप का लग रहा है बाहर से, बाकी पुराने पुराने हैं। आर्कियोलॉजिकल का मतलब है कि कुछ खुदाई करके, हो सकता है मिट्टी में ढक गया, उसको हटा के निकाला गया है। थोड़ा नालंदा टाइप का, लेकिन वो जो उड़ीसा पैटर्न का आपको मंदिर दिख रहा है,
मेरे को ऐसी क्यों लग रहा है कि ये भी गुप्तकालीन मंदिर ही है, देखो ना ये ठीक यही पैटर्न आपको मिलता है वहां पे रायगढ़ में भी। नहीं करके निकाला गया ना इसको, पत्थरों के ढांचे से बना हुआ मंदिर है। नर्मदा मंदिर के ठीक सामने में ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो सर्वे ऑफ इंडिया है उसके द्वारा निकाला गया या खोजा गया एक मंदिरों का समूह है। बेसिकली कलचुरी शासन द्वारा 11वीं और 12वीं शताब्दी में बनाया गया मंदिर है। मंदिर आप देखेंगे ध्यान से तो काफ़ी हद तक ना इनका जो पैटर्न है वो उड़ीसा में जो मंदिरें हैं और ज्यादा बेहतर कहूँ कि जो रायगढ़ में गुप्तकालीन मंदिर है उनसे काफ़ी मैच मिलता जुलता है। तो मतलब ये गुप्तकालीन मंदिर का ये पैटर्न है जिसमें कि एक बड़ा सा गुंबज है। अच्छा वो तो पूरा उड़ीसा वाला पैटर्न आपको लगेगा है ना, लेकिन ये मंदिर जो है ये उड़ीसा पैटर्न की नहीं है, ये गुप्तकालीन। ये मध्य प्रदेश में भी बहुत जगह हमने रास्ते में देखा था छोटे मोटे मंदिर। अंतर क्या है, अंतर मेरे को बेसिकली था उसके ऊपर में जो आपको एक गोल सा दिख रहा है ना मेहराब बोलिया जो बोलिया वो इसमें नहीं है, वो उतना बड़ा नहीं होता है। तो यही पैटर्न जैसे वो मंदिर का पैटर्न और इनका सेम है ना, ये भी सेम है। पत्थरों पर बहुत बारीकी से किया गया है और कलचुरी है मतलब जो गुप्त पैटर्न है या दूसरा पैटर्न उनको लिया गया है। और कई सारे मंदिरों का ये विष्णु मंदिर है, ये शिव मंदिर है। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे ओम कृष्ण। अब कृष्ण से आप शिव की भक्ति में चल गए। ओम निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम निजं निर्गुणं विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश संभजेहं निराकारमूकाय मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रदेश में वही महत्व है जो उत्तर भारतीयों का गंगा पर आस्था है, ये ठीक वैसे ही है जैसे कि दक्षिण भारत में गोदावरी के लिए है। लेकिन जो पागलपंथी है मतलब जो ज्यादा उसको लेके धर्मान्यता है वो यहाँ पे थोड़ी सी कम है। धर्मान्यता का मतलब अलग अलग हो सकता है, पर मेरे नजर में वो है कि उस चीज को लेके बहुत ज्यादा बात करना, अतिशोक्ति से भर देना, वो चीज यहाँ पे कम है। फिलहाल मुझे लगता है कि नर्मदा का महत्व मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा है। एक सूखा प्रदेश जो पठार और मैदानी भाग है जिसमें वर्षा भी कम होती, वहां पे नर्मदा का महत्व ऑब्वियसली बाकी नदियों की अपेक्षा ज्यादा होगा। माँ नर्मदा के नाम से यहाँ पे भोजनालय भी हैं, दुकानें भी हैं, साइकिल स्टैंड भी हैं और नर्मदा प्रसाद एक कॉमन नाम भी है इंसानों का। तो इन्हीं वाक्यों के साथ मैं अब विदा लेता हूँ अमरकंटक से। माँ नर्मदा आप सभी को सुखी रखे। बने रहिए मेरे ब्लॉग में और सुनते रहिए मैडम के अच्छे मधुर आवाज के भजनों का आनंद लेते हुए। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। हम खा रहे हैं भजिया और चटनी। चटनी ना अच्छा लग रहा है, मिर्ची भी है और धनिया भी है। चटनी क्या चीज़ की है? चटनी लहसुन। हाँ खटाई है। और ये जवाब सिपाही तो यही वो जगह है जहाँ कल रात में हमारी बहुत गहन चेकिंग हुई थी और इसे हम पार करके अब जा रहे हैं अमरकंटक की ओर। बीच में अचानक मार जो है हमें जंगल मिलता है, एक घाटी है तो हमने जंगल को चुना है। घाटी थोड़ी कम है लेकिन थोड़ा हम अपसेट हो जाते हैं कि रोड बहुत खराब है बीच में।
कुछ जगहों को छोड़ दें तो फिर ये देखिए यहाँ से आपको मिलेगा कि एक टर्न लेना है। तो यहाँ से हम रतनपुर वाला रोड ले रहे हैं और लगभग 100 कुछ किलोमीटर पे यहाँ से रतनपुर दिखा रहा है और बीच में रोड इतनी खराब हो जाती है ना कि, और काफी घाटी है यहाँ पर भी, ऐसा नहीं कि घाटी कम है, इसमें घाटियां हैं। जो दूसरा रास्ता था और ज्यादा घाटी वाली थी, जंगल उसमें कम था। तो ये देखिए वो चौक है और यहाँ से मुझे राइट साइड लेना है और ये रास्ता है और इतना सुनसान है, आज वोटिंग का दिन है, गाड़ियां नहीं चल रही, बस नहीं चल रही है। तो मुझे काफी देर तक तो मुझे काफी डर भी लगता रहा बीच में, क्योंकि है, क्योंकि कई जगह ना निशान बने हुए कि यहाँ भालू निकलता है, जो जंगली जानवर है उनका भी चित्र है, तो थोड़ा सा एक डर लगता है कि न जाने कब क्या हो जाए। और चुनाव का दिन है तो गाड़ियां कम है, पेट्रोलिंग की गाड़ियां भी बहुत कम है, तो उसलिए भी एक मन में था कि कहीं कुछ भगवान ना करे हो जाए तो फिर कोई मिलेगा नहीं। बट कुछ देर के बाद क्या होता है, यहाँ पे ना गाँव दिखते हैं और गाँव जो है वो काफी छोटे हैं, जंगल के बीच में बसे हुए हैं, कनेक्टिविटी के नाम पे बस ये रोड है ऐसा लगता है। तो चुनाव के कारण वहाँ पे कुछ चहल पहल है, सरकारी जो इमारतें हैं, स्कूल है, भवन है, वहाँ पे कुछ लोग दिखते हैं और फिर ऐसे सुनसान हो जाता रहता। तो काफ़ी देर चलने के बाद लगभग मैं यहाँ पे 2 घंटे ड्राइव करता हूँ और उसके बाद में हम इस रेस्टोरेंट मतलब ढाबे में पहुँचते हैं और वहाँ इतने सारे चुनाव के अधिकारी रहते हैं कि मत पूछिए। वो जो भोजनालय रहता है वो पूरी छावनी बन जाती है पुलिस की। तो पीछे भी एक जगह है, वहाँ पे भी खाना है और वहाँ पे पूरे पुलिस वाले यहाँ पे बैठे हुए हैं। हिल जाता है ना, प्रॉब्लम है। क्या खा रहे हो? अंडा करी। हम स्टार्ट कर रहे हैं मैडम, भूख लगी है। ओके। और यात्रा की थकान अब दिख रही है, अब हम शक्ति पहुंच चुके हैं और यहां से हमें जाना है लूडो को लेने के लिए और लूडो को लेके हम पहुंचेंगे घर। तो ये हम लोग बिलासपुर से थोड़ा सा रायगढ़ की तरफ आ गए हैं और रायगढ़ के 50 किलोमीटर के अंदर ये ढाबा है जिसका नाम है अतिथि शुद्ध शाकाहारी फैमिली ढाबा। यहाँ पे हम लोग अक्सर खाया करते हैं जब भी बिलासपुर जाते हैं और ये कुछ पहचान सी हो गई है। हम लोग बिना हेलमेट पहने बात करो ना एक बार, देखते हैं आवाज पहचान रही कि नहीं। और बताओ स्नेहा कैसी हो, याद आती है किसी की तुमको? याद आती है किसी की? मत मत चेहरा मत दिखाना, देखते हैं पहचानती है कि नहीं। और बस ऐसे ही देते रहे अपना प्यार और सपोर्ट और बने रही हमारे चैनल के साथ। स्टे ट्यून्ड विद स्नेहा एंड नीरज। थैंक यू।